मास न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र के भड़ेवरा से देश आजादी में अपना योगदान देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में सलामी देने वाले स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे तथा उनको नमन किए। पेश है हमारे संवाददाता महावीर सिंह की एक बातचीत। सबसे पहले अपना आप परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है श्री रवीश चंद तिवारी। ये जो प्रोग्राम सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र 63 जी, ये जो प्रोग्राम हुआ है, दादाजी की जो बरखी हुई है वो कितने साल के थे, क्या उनका व्यक्तित्व था, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। पिताजी हमारे 107.5 साल जिंदा थे जी। वो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे जी। और स्टेटरी में उन्होंने इतना काम किया। पहली बात, उन्होंने इतने बड़े बड़े डकैतों का को मारा, उनका कोई यहाँ कम से कम उन्होंने 25-30 लोग की मतलब काउंटर किया। उसके बाद वो रिटायर हो चले आए। रिटायर के बाद वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, उनका कोई जोड़ नहीं था, मतलब वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, उनका व्यक्तिगत कोई जोड़ नहीं था। वो मतलब कि पुलिस विभाग में खूंखार इंस्पेक्टर के तौर पर जाने जाते थे। उनके जमाने में एके दास जी थे, वो एके दास हमारे कानपुर में SSP थे। अच्छा, वो पुलिस किस स्थान में थे? वो 64 रिटायर हो चले, 6 साल पहले 1964 मतलब हमारे देश के आजाद होने के पहले से वो थे। 1932 उनकी ज्वाइनिंग 1932 में वो पुलिस विभाग भर्ती हो गए। तो सुनने में आता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी रहते थे। पिताजी हमारे बताते थे, एक बार उनकी आनंद भवन में ड्यूटी लगी थी भारत के साथ, तब वो इंस्पेक्टर नहीं थे, हौलदार थे। तो वो एक पिताजी एक सिपाही जो है बार बार जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, एक सिपाही उनके बार बार अप डाउन करता था दरवाजे के सामने से। पिताजी को बोला कि साहब क्यों कैसा कर रहे, हौलदार साहब क्यों दौड़ रहा है, कहें साहब आपको देखना चाहता है। तो कैसा बुलाइए हमको, तो बुला करके उन्होंने उसको अपने पास बैठा के दिखाया। तो उन्होंने कहा साहब, पिताजी हमारे कहा कि साहब आप सुबह जाना तो हमसे ऊपर वो ले लीजिए, सलामी ले लीजिए। कह नहीं, सलामी हम सुबह 4 बजे लेंगे। तो 4 बजे की सलामी हुई, तब जाके बनारस चलेंगे। सुनने में आता है कि यहाँ के आपके राज्यसभा सांसद जी जो हैं माननीय रेवती रमन सिंह जी, उनसे उनके बहुत करीबी माने जाते थे ये, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। भाई रेवती रमन के हमारे बाबा भी उनसे काम करते थे, रहते साथ में। हमारे पिताजी उनके यहाँ कुछ दिन तक काम किए, उसके बाद फिर जा करके वहाँ सर्विस में आए पुलिस विभाग में। भाई हमारा तो उनका घरेलू संपर्क है। हमारे दो बाबाओं को 20-20 कुछ विवाद हो गया था, वहाँ कत्ल हो गए, तो 20-20 साल सजा काटे हमारे दो बाबा, हमारे बाबा और हमारे बाबा पिता बाबा के छोटे भाई, 20-20 साल काला पानी काट के तब आए 11-11 साल में, तब जाके यहाँ रहे उस समझ लीजिए। ये किस जगह का, ये आप रहने वाले कहाँ के हैं यहाँ पे? अब हम केचुआ, हमारा घर है बगल में, यहाँ से 500 मीटर दूरी पे, यहाँ हमने जमीन ले लिया 8-10-12 बीघे, यही अपना रहते हैं। तहसील कहाँ लगता है आपका? करछना, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। आप एक बार फिर से परिचय बता दीजिए। रवीश चंद तिवारी, ग्राम भड़ेवरा, पहले हमारा घर केचुआ में था, भड़ेवरा में आ गए हैं जी। जिला पंचायत सदस्य, वार्ड संख्या 63, करछना प्रयागराज। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।